हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पार्ट 22। और जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पार्ट 1 से लेकर 21 तक क्लियर कर चुके हैं, तो जो लोग अभी तक नहीं देखें तो उसको जाके जल्दी से क्लियर कर लीजिए। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे ही आप आई बटन को क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा मैथ का, साइंस का, जीके का जितने भी सवाल है वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन उसे आपको करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई करना है या फिर आपको इस बार जॉब चाहिए तो, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है बुक का, उसे भी जाके खरीदना पड़ेगा। तो अभी आप दोनों को पढ़ के आप आराम से अपना आगे की ओर मतलब सफलता पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और जैसे कि आपके लिए एक छोटा सा नोट्स बन चुका है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो देखिए आपको कैसे लेना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर जाना है और जानने के बाद फॉलो कर लेना है। और फॉलो करने के बाद आपको एक मैसेज करना होगा। मैसेज क्यों? क्योंकि जो आपका मैसेज आएगा ना, उसको देखकर उस पर नोट्स को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपने समझ गया कि आपको कैसे लेना होगा, लेकिन उस नोट्स को जाके जरूर लेना है क्योंकि वहाँ से 7 से 8 नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है विश्व के सागर एवं महासागर। यहाँ से एक नंबर का सवाल आपके AMR के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन ए में प्रशांत महासागर, बी में अटलांटिक महासागर, सी में हिंद महासागर और डी में आर्कटिक महासागर। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1662468777, ठीक है, यानी 16,62,46,877 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और यह पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का लगभग 46%, ठीक है, याद रखिएगा, 46% हिस्सा कवर करता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, 2 नंबर प्रश्न में विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन ए में प्रशांत महासागर, बी में अटलांटिक महासागर, सी में आर्कटिक महासागर और डी में हिंद महासागर। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, आर्कटिक महासागर, जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ये दोनों सवाल AMR के एग्जाम में रिपीटेड है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, 3 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ऑप्शन ए में प्रशांत महासागर, बी में अटलांटिक महासागर, सी में हिंद महासागर और डी में आर्कटिक महासागर। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। चलिए उसके बाद देख लीजिए, 4 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भीति है। ऑप्शन ए में अटलांटिक महासागर, बी में प्रशांत महासागर, सी में हिंद महासागर और डी में आर्कटिक महासागर। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये जितने भी सवाल है इसको रट लीजिएगा, आपको मैं पूरा पूरा गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में एक नंबर का सवाल हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था पिछली बार, तो इस बार भी पूछा जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 में विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में है प्रशांत महासागर, बी में अटलांटिक महासागर, सी में हिंद महासागर और डी में भूमध्य सागर। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, भूमध्य सागर, जो कि 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है भैया, भूमध्य सागर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 6 में विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रशांत महासागर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 7 में ये सवाल AMR के एग्जाम में रिपीटेड है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यहाँ पे एक लंबी नदी से पूछ दिया गया है, राइन, रोन, डेन्यूब, वोल्गा। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, राइन, ठीक है, नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, वोल्गा, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, याद रखिएगा, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की बात करिए, मान लीजिए कि पूछ दिया कि यूरोप की सेकंड लंबी नदी कौन सी भैया, तो क्या आप बताइएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, डेन्यूब। अगर देखिए आप सिंपल से पूरा ध्यान रख लीजिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी बात की जाए तो वोल्गा हो गया और दूसरी बात की जाए डेन्यूब हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 8 में महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है, 11,033 मीटर, 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लीजिए, 9 नंबर प्रश्न में महासागरों की औसत गहराई है 3,300 मीटर, 3,800 मीटर, 4,300 मीटर या फिर डी में 4,800 मीटर।
तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, 3,800 मीटर, ठीक है, महासागरों की औसत गहराई है। चलिए 10 देखिए, आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिए। तो आप लोग, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, आर्कटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 11 में निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, सी में हिंद महासागर और डी में आर्कटिक महासागर? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, हिंद महासागर, ठीक है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर बस सिर्फ यही मतलब टिक करवा रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ये जो सर करवा रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप रट के जाइएगा, उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है तो फिर मुझसे बोलेगा कि सर ये जो आपने पढ़ाया था विश्व के सागर एवं महासागर से रिलेटेड प्रश्न है, उसमें से तो एक भी सवाल नहीं आया, आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो पढ़ा देंगे वो नहीं आएगा, ठीक है। पिछली बार बहुत सारे बच्चे का अच्छा अच्छा कमेंट आया था कि सर आपके वजह से मैं 30 करके आया, 20 करके आया, क्योंकि पहले बार मतलब कि जो हम पहले बार वीडियो बनाए थे तो उसमें मेरा ज्ञान भी नहीं था। लेकिन अब इस बार क्या हो गया ना कि सारे हम डाटा समझ गए कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है, किस टाइप से कहाँ कहाँ से एक एक नंबर का सवाल, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। मैं पहली बार यूट्यूब चैनल जब खोला था यूट्यूब चैनल तो मुझे भी पता नहीं था कि किस टाइप से सवाल आते, लेकिन अब मुझे पता चल गया, ठीक है। तो इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए 12 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? ऑप्शन ए में प्रशांत महासागर, बी में आर्कटिक महासागर, सी में अटलांटिक महासागर और डी में हिंद महासागर? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, हिंद महासागर, ठीक है। और 11 का हो जाएगा भैया ऑप्शन सी, ठीक है, हिंद महासागर। दोनों का देख लीजिएगा, 11 सी हिंद महासागर, 12 डी हिंद महासागर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 13 में निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया की ओर, ठीक है, एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और डी में आर्कटिक महासागर? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, कौन सा महासागर प्रशांत महासागर जो है एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 में उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, बी में अटलांटिक महासागर, सी में प्रशांत महासागर और डी में हिंद महासागर? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, प्रशांत महासागर जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में कौन सा भैया प्रशांत महासागर स्थित है, याद रखिएगा। देखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 15 में अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर, ऑप्शन ए में प्रशांत महासागर, बी में अटलांटिक महासागर, सी में हिंद महासागर और डी में आर्कटिक महासागर? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 16 में अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 17 में वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, टेथिस महासागर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 18 में निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे कम गहरा, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, आ सकता है इस बार एग्जाम में, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और डी में आर्कटिक महासागर? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, आर्कटिक महासागर जो है सबसे कम गहरा वाला महासागर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 19 में द ग्रेट ओशन, ठीक है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? ठीक है, ऑप्शन ए में हिंद महासागर, बी में प्रशांत महासागर, सी में उत्तरी अटलांटिक महासागर और डी में दक्षिणी अटलांटिक महासागर? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्क, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 20 में बरमुंडा, ठीक है, बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है?
अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है बरमुडा त्रिभुज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 21 में समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? ठीक है, 50, 60, 70, 80। तो 21 का हो जाएगा, 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 70% घेरे हुए हैं। ठीक है, और देखिए पहला जो प्रश्न हम आपको बताया कि 46% बताया था ना, 46% हिस्सा कवर करता है। तो देखिए कहीं कहीं वो भी सवाल में 70% दे रहा था, तो मुझे लगता है कि यही होगा शायद, मतलब राइट आंसर होगा। लेकिन कहीं कहीं गूगल पे सर्च मैंने किया तो दे रहा था 46% हिस्सा कवर करता है पहला प्रश्न, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न को थोड़ा सा केयरफुली आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे। ठीक है, अगर हमसे कहीं गलती हो भी जाता है तो आप थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा अपने आप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 22 में कौन सा महासागर महासागरीय, ठीक है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? अरब सागर, सार्गेसो सागर, लाल सागर, चीन सागर। 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, सार्गेसो सागर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न में सार्गेसो सागर अवस्थित है प्रशांत महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में या फिर हिंद महासागर में। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, उत्तर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है सार्गेसो सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट 24 में तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान, ठीक है, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, भारत व श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, और डी में साइबेरिया व अलास्का। ठीक है, अलास्का। 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में अवस्थित है। ठीक है, किसके मध्य? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड मध्य की अवस्थित है तस्मान सागर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 25 में निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? लाल सागर, बेरिंग सागर, सी में भूमध्य सागर, और डी में अरब सागर। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है, भूमध्य सागर। तो यही रहा आज का 25 सवाल। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट बना होगा तो आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि सर आपने यहाँ पे गलती किए हैं। अगर नहीं है तो आप एक अपना कमेंट लीजिएगा, मतलब कि अच्छा कमेंट लिखिएगा जो कि मैं खुश हो सकूँ। ठीक है, और जो लोग लाइक नहीं करते हैं फटाफट कर देना यार, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे तो वीडियो देखते हैं लगभग 10,000, 5,000, लेकिन व्यूज जाता है उस पर, लाइक जाता है 1K, 2K, बस लास्ट रह जाता है। और जो बच्चे देखते हैं अच्छा लगता है तो लाइक तो उसमें एक बार कर दो यार, क्या दिक्कत है, लाइक करने में कुछ तो जाता नहीं है। क्योंकि मैं भी सोचूंगा कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।